Welcome on your YouTube channel. Listen and learn. Today we are starting skeletal system part first. Skeletal system क्या होता है? इसके अंदर जो हमारी body है, without the skeletal system ये कहीं पे move नहीं कर सकती, ठीक है? Skeletal system normal language में इसको हड्डियों का एक ढांचा बोल सकते हैं. Body के अंदर जो skeletal system है, इसके बिना ये movement नहीं कर सकती, ठीक है? तो हम बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम की. व्हाट इज द स्केलेटल सिस्टम? इज कंसिस्टिंग ऑफ बोन ऑफ द बॉडी एंड कनेक्टिव टिश्यू विच बाइंड टुगेदर. जो बोन है बॉडी की और कनेक्टिव टिश्यू है वो आपस में जुड़कर एक सिस्टम जो बनाते हैं, ठीक है, उसको हम स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं बोन की. एनी ऑफ द वाइट हार्ड टिश्यू मेकिंग ऑफ द स्केलेटल सिस्टम इन ह्यूमन. बोन है उसको हम एक हार्ड टिश्यू बोलते हैं, ठीक है. बोन एक टिश्यू होती है, हार्ड वाइट टिश्यू. नेक्स्ट है बोन की स्ट्रक्चर. यहाँ पे अगर आपको शो नहीं हो रही तो आप नेट से देख सकते हो. बोन की जो मेन पार्ट है, जो एपिफिशियल, जो प्रोक्सिमल और डिस्टल पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एपिफिशियल पार्ट, और बीच वाले पोर्शन को हम डाइफाइसिस बोलते हैं. जस्ट बिलो द एपिफिशियस मेटाफाइसिस एंड जस्ट अपर द एपिफिशियल मेटाफाइसिस, ठीक है. अब बात करते हैं बोन की स्ट्रक्चर है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो बोन की है. बोन के दो पार्ट है, दो कार्टिलेज होते हैं बोन के, कार्टिलेज, ठीक है. इनको एक पार्ट को बोलते हैं हेड ऑफ द बोन और एक को बोलते हैं सॉकेट ऑफ द बोन. दूसरी बोन का हेड इस बोन के सॉकेट के अंदर जाके फिट होगा, जुड़ेगा, ठीक है. ऐसे एक बोन से दूसरी बोन जुड़ती है, इसको हम सॉकेट बोलते हैं, इसको हम हेड बोलते हैं. ये दूसरी बोन का हेड है, दूसरी बोन के सॉकेट के अंदर जाकर जॉइंट होगा, ठीक है. इसके अंदर पार्ट है जो बोन के, ऊपर वाला जो पार्ट है ब्लू कलर का, उसको बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज, और जो इसके बाद में जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम स्पंजी बोन. स्पंजी बोन के पास में और जो एपिफिशियल पार्ट है, इसके अंदर लाइन होती है प्रेजेंट, इसको बोलते हैं एपिफिशियल लाइन. और इसके अंदर दो टाइप की बोन मैरो होती हैं, टू टाइप्स ऑफ दी बोन मैरो, येलो बोन मैरो एंड रेड बोन मैरो. जो येलो बोन मैरो है जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, जो कुछ भी है इसके लिए वो हेल्प प्रोवाइड करता है, जिसको प्रोटेक्ट करता है. और ये और जो रेड बोन मैरो है, रेड बोन मैरो का मेन फंक्शन है एडल्ट में आरबीसी का प्रोडक्शन करना, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू आरबीसी. जो कहाँ पे होती है प्रोडक्शन, कहाँ पे होता है इसका, रेड बोन मैरो के अंदर होता है, ठीक है. और नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट आर्टरी. न्यूट्रिएंट आर्टरी क्या है? न्यूट्रिएंट आर्टरी जो है हेल्प प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के अंदर, बोन के अंदर. और जो बोन की आउटर कवरिंग है, ये जो आउटर कवरिंग ऑफ द बोन है, ठीक है, ये किस पार्ट से बनी होती है, इसको बोलते हैं कम्पैक्ट बोन. आउटर कवरिंग ऑफ द बोन इज कॉल्ड कम्पैक्ट बोन. इनर वाला पार्ट जो बोन का होता है वो होता है एंडोस्टियम. एंडोस्टियम से मिलकर बना होता है, ठीक है, अंडर मीन्स एंडोस्टियम. याद रखना, पेरियोस्टियम बाहर वाला और एंडोस्टियम अंदर वाला पार्ट, ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ द बोन. कंपोजिशन बोन है जो किससे मिलकर बनी होती है, मैट्रिक्स और सेल से. मैट्रिक्स हार्ड मास जो बोलते हैं, ठीक है, सेल है जो बोन की, जो सेल है बोन के अंदर सेल है. फोर टाइप्स ऑफ दी सेल होती है, ऑस्टियोप्रोग्नोसियन जो सेल है, ठीक है, ये क्या करती है, ये ओस्टियोसाइट और ओस्टियोब्लास्ट को प्रोडक्शन करती है, ठीक है. और दूसरी बोन है, दूसरी सेल है ओस्टियोसाइट. ओस्टियोसाइट जो है इसके अंदर क्या होता है, ओस्टियोसाइट जो सेल है बोन की, इसका मेन फंक्शन यही होता है कि फॉर्मेशन है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द बोन ऑस्टियोसाइट का मेन फंक्शन है. और ऑस्टियोब्लास्ट का जो मेन फंक्शन है डेवलपिंग एंड मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन. एंड ऑस्टियोक्लास्ट है, ऑस्टियोक्लास्ट को हम डिपोजिशन जैसे कि बोल सकते हैं, रीमॉडलिंग ऑफ द बोन, बोन का रीमॉडलिंग करती है, ठीक है.
और नेक्स्ट हम बात करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मैट्रिक्स के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक आपने पढ़ा होगा, कार्बनिक और इनऑर्गेनिक कार्बनिक। ऑर्गेनिक में क्या आता है, कोलेजन्स। कोलेजन्स मीन्स, कोलेजन्स के अंदर क्या आता है, जो बोन मेरो है रेड और येलो, ये कोलेजन्स के अंदर आते हैं। और म्यूकोपोलीसेकेराइड, ये एक शर्करा होती है जिसको, सेकेराइड मीन्स शर्करा, जो बोन के अंदर पाई जाती है। और नॉन कोलेजनियस प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइव टाइप ऑफ द ह्यूमन बोन। मेनली ह्यूमन के अंदर फाइव टाइप की बोन होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, सिस्टमेटिक बोन। लॉन्ग बोन में फीमर पैर की बोन आती है, ठीक है, लेग की बोन फीमर टीबिया फिबुला, और हैंड की बोन है जो ह्यूमरस रेडियल अल्नर, और क्लेविकल जो गर्दन के पास होती है, ठीक है, दो बोन होती है क्लेविकल, जिसको हम ब्यूटी बोन के नाम से भी प्रनाउंस करते हैं, और फ्लेंजस होती हैं। ब्यूटी बोन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ब्यूटी बोन किस बोन को बोला जाता है, आप लिख सकते हो क्लेविकल, क्लेविकल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन होती है कार्पल, मेटाकार्पल, टार्सल और मेटाटार्सल। नेक्स्ट है फ्लैट बोन। फ्लैट बोन होती है स्टर्नम, रिब्स, स्कल की बोन, स्केपुला और ईलियम, ये शॉर्ट बोन में, फ्लैट बोन में आती है। और इरेगुलर बोन है, इरेगुलर बोन होती है वर्टिब्री, वर्टिब्री और फेशियल बोन जो है इरेगुलर बोन होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्मोइड बोन। सिस्मोइड बोन के अंदर क्या होता है, पटेला और हाइओइड बोन। हाइओइड बोन एक ऐसी बोन होती है जो किसी भी बोन के साथ जॉइंट नहीं बनाती, नो मतलब नो जॉइंट ऑफ एनी अदर बोन, ये किसी की किसी भी बोन के साथ कनेक्ट नहीं होती, ठीक है, हाइओइड बोन। नेक्स्ट हम मेन बात करते हैं एट बर्थ बॉडी के अंदर कितनी बोन होती है, 350 बोन इन एट बर्थ, बच्चे के अंदर जो है 350 बोन होती है, और अडल्ट के अंदर 206 बोन होती है, ठीक है, अडल्ट के अंदर 206 और बच्चे में 350 एट बर्थ, ठीक है। तो ये तो है मेन मेन इंट्रोडक्शन था स्केलेटल सिस्टम का, ठीक है, कितने टाइप की बोन होती है, कंपोजिशन ऑफ द बोन पढ़ा हमने, बोन की स्ट्रक्चर पढ़ी, स्ट्रक्चर देखी, ठीक है, डेफिनेशन देखी बोन की, इसमें इम्पोर्टेंट है बोन की डेफिनेशन और स्केलेटल सिस्टम की डेफिनेशन, और मैट्रिक्स और सेल जो कंपोजिशन है बोन का, ठीक है, और ये जो फोर सेल्स है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और फाइव टाइप्स ऑफ द बोन, ठीक है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, इसके अंदर तो आप बेझिझक बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो को पूरा देखना, थोड़ा मत देखना, ऐसे स्किप मत करना है वीडियो को, स्किप करने से आपका कोई फ़ायदा नहीं, और स्किप करके देखोगे तो ये क्या है आपके समझ में नहीं आएगा, आगे जो दूसरा पार्ट है ये पार्ट फर्स्ट सा, ठीक है, हो सकता है आपको आज ही पार्ट सेकंड मिल जाए, ठीक है, कराने हो तो मैं एक ही क्लास में ये अपने कर सकते हैं। स्केलेटल सिस्टम में क्या है कि एक ही क्लास में करेंगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा और आपको भी परेशानी होगी, आप इसलिए हम पार्ट में डिवाइड करके इसको करेंगे, ठीक है, और प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना हमारे चैनल को, थैंक यू।